हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे मैकेनिकल वर्कशॉप में यूज आने वाले इक्विपमेंट के बारे में। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हमने अपने पास है कंबाइनेशन सेट। इन तीनों को क्या बोलते हैं, चारों को हम कंबाइनेशन सेट बोलते हैं। ये स्टील रूल के ऊपर लगते हैं। ये अपने पास है प्रोटेक्टर हेड, इससे किसी भी एंगल में किसी भी ऑब्जेक्ट को कट किया जा सकता है। ये है अपने पास सेंटर हेड, इसको यहाँ से लगा के इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर पता किया जा सकता है। ये है अपने पास स्क्वायर हेड, अब इसमें किसी भी एंगल का 90 डिग्री में कट किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आते हैं हम, एंड सेकंड है अपने पास कैलिपर्स। कैलिपर दो कैलिपर अपने पास, तीन चार टाइप के होते हैं पर अपने पास दो ही है। तो ये है अपने पास, इसको बोलते हैं, इस कैलिपर से हम आउटसाइड डायमीटर मेजर कर सकते हैं। इस कैलिपर से हम इनसाइड डायमीटर कैलिपर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, एंड नेक्स्ट अपने पास ये स्पेनर है, ये ओपन टाइप स्पेनर है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये 4-8 से, ये 6-4 से स्टार्ट हो रहा है। तकरीबन ये स्पेनर है अपने पास 32 से 30 तक है स्पेनर। ये सारे स्पेनर है, ये यूज आते हैं, ओपन टाइप स्पेनर है। एंड नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अपने पास रिंग टाइप ऑफ स्पिनर, ये छोटे से छोटा है। ये तकरीबन 6 से 9 स्टार्ट हो रहा है। तकरीबन ये अपने पास है 18 से 19, इससे भी बड़ा होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आते हैं हम गेयर्स, ये है स्क्वायर गेयर। स्क्वायर गेयर का यूज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा यूज में लेते हैं, तो ये है। एंड नेक्स्ट आते हैं हम फाइल पे। अब फाइल तो आपको पता ही होगी, अब ये वाली फाइल अलग है। ये क्या है, स्क्वायर फाइल है। देखो आप, ये ट्रेंगल टाइप फाइल है, ये ट्रेंगल बन रही है ना, तो ये ट्रेंगल टाइप फाइल है। ये है अपने पास फ्लैट फाइल, बिल्कुल फ्लैट है। एंड ये राउंड अप फाइल है, ये क्या है, राउंड अप, तो आधा स्क्वायर है, हाफ। एंड ये अपने पास है ट्रेंगल टाइप फाइल, ये वाली। ये है अपने पास स्क्वायर फाइल, ये है सर्कुलर फाइल। कौन सी फाइल है, सर्कुलर फाइल है अपने पास। ये है स्क्रू ड्राइवर। एंड नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट अपने पास है यहाँ पे इनसाइड माइक्रोमीटर। यहाँ पे ये इनसाइड माइक्रोमीटर है। अब इसकी जरिए हम किसी भी आउटसाइड मेजर कर सकते हैं, किसी भी। ये तकरीबन अपने पास है आउटसाइड माइक्रोमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है इनसाइड माइक्रोमीटर, 50 से 600 mm, 0.01 mm होता है इसका लीस्ट काउंट। तो इनको जोड़ा जाता है, तो इससे मेजर किया जाता है। तो नेक्स्ट आते हैं हम माइक्रोमीटर। नॉर्मली माइक्रोमीटर ऐसा आता है ये, तो ये कैसे यूज में आता है। इसमें लीस्ट काउंट वही होता है 0.01 mm, इससे किसी भी एक्यूरेंसी के साथ पता लगाया जा सकता है क्या आउटसाइड डायमीटर। इनसाइड वाला ये रहा। एंड नेक्स्ट पे आते हैं हम, जो ज़्यादा यूज में आता है वो है अपने पास वर्नियर कैलिपर्स। अब वर्नियर कैलिपर्स तो आपने सुना ही ना होगा नाम, तो वर्नियर कैलिपर्स ये आता है आउटसाइड डायमीटर मेजर करने में, इनसाइड डायमीटर मेजर करने में और डीप्थ मेजर करने में। तो ये होता है कास्ट आयरन स्टील का बना होता है। एंड इसमें क्या होता है, इसका लीस्ट काउंट 0.02 होता है mm। तो ये हो गया। एंड नेक्स्ट आते हैं हम, ये अपने पास है थ्रेडेड चेक करने का, थ्रेडेड गेज, इसको हम बोलते हैं थ्रेडेड गेज, ठीक है। एंड नेक्स्ट पे आते हैं, इसको बोलते हैं हम, आपको पता ही होगा डायल गेज। ये बहुत ही ज़्यादा यूज में आता है। ये किसी भी का ऑब्जेक्ट का, अगर मान लो आप लेत मशीन पर वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे लेवलिंग के चेक करने के लिए हम डायल गेज का यूज करेंगे। तो स्टील रूल का पता होगा, ये अपने पास है रेडियस गेज। क्या है ये, रेडियस गेज, इसी में रेडियस का। ये अपने पास कटर। तो अपने पास यही थे, उनके बारे में हमने अच्छी तरह से जाना है आज। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलें।